हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है ऑनेस्ट कैंडिडेट, ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी में एक पॉलिटिशियन को सच बोलने की बीमारी हो जाती है, जिसके बाद हंगामा होना तो लाजमी था। तो कैसे वो पॉलिटिशियन इस एंटी सच वाली दुनिया में सर्वाइव कर पाता है और कैसे बाकियों का सामना कर पाता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस मूवी में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये मूवी है जूसांग नाम की एक करप्ट पॉलिटिशियन की, जो एक नंबर की झूठी और वोट बैंक पॉलिटिक्स की माहिर है, पर लोगों की नज़रों में वो बहुत ही अच्छी है, जिसने उनकी सिटी को डेवलप किया है। जूसांग की स्टोरी कुछ ऐसी है कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, उसे उसकी दादी ने बड़ा किया, जिनके पास उसी शहर में कुछ ज़मीन थी, पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को ले लिया, जिसके बदले उसकी दादी को अच्छे खासे पैसे मिले थे, पर उन्होंने वो पैसे भी डोनेट कर दिए और खुद से मेहनत करके अपना और उसका यानी जूसांग का ख्याल रखा। पर फिर उसकी दादी को कैंसर हो जाता है और इंश्योरेंस फॉर्म में हुई एक मिसप्रिंट के चलते इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का खर्चा उठाने से मना कर देती है। तो जूसांग कानून का सहारा लेती है और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वो मुकदमा जीत जाती है, जिसके बाद वो लोगों में काफी फेमस हो जाती है कि वो गरीब लोगों की मसीहा है। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसकी दादी भी चाहती है कि वो एक पॉलिटिशियन बन जाए और गरीब और जरूरतमंदों की हेल्प करे। तो जूसांग भी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेती है और अपना पहला इलेक्शन भी जीत जाती है, जिसके बाद वो अपनी दादी के नाम पे एक फाउंडेशन और एक साइंस कॉलेज भी खोलती है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए फाउंडेशन की ओर से गरीब और टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिस वजह से वो सिटी में और फेमस हो जाती है। पर भाई साहब, ये है पॉलिटिक्स। यहाँ दुनिया उतनी भी खूबसूरत नहीं जितनी दिखती है। पॉलिटिक्स यानी सत्ता, और सत्ता मतलब पावर, पावर यानी पैसा, और पैसा यानी नशा। और अगर नशा किसी को चढ़ जाए तो वो जल्दी नहीं उतरता, खास करके पावर का, जिसमें पैसों का तड़का लगा हो। तो भला जूसांग इस नशे से कैसे बच सकती थी? धीरे धीरे वो भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाली पॉलिटिशियन से एक झूठी और करप्ट पॉलिटिशियन बन जाती है, जिसकी दिन की शुरुआत झूठ और रात का अंत वो भी झूठ से होता है। सॉरी, कोई पंचलाइन याद नहीं आई। जूसांग अब तक 3 बार सिटी के MP का चुनाव जीत चुकी है और अब ये 4थी बार है। तीसरे बार वोटिंग के ठीक एक दिन पहले उसकी दादी माँ की डेथ हो गई थी और उनकी सिंपति के वोट भी जूसांग ने बहुत बटोरे थे। इस बार 4थी बार में उसके खिलाफ 2 लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से एक है नाम, जो हर बार ही उसके खिलाफ खड़ा होता है और जानबूझकर अपनी कैंपेन और टीवी डिबेट्स में ऐसे टॉपिक्स को उठाता है जिससे कि जूसांग को फायदा हो, क्योंकि वो उसकी पार्टी को बिक चुका है। और इस हेल्प के बदले जूसांग उसे शेयर मार्केट के कुछ टिप्स दे देती है, जो उसे अपने सोर्सेज से पता चलते हैं। यहाँ पे मुझे नायक मूवी का वो डायलॉग याद आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब बिके हुए हैं। लेकिन एक दिन एक रिपोर्टर दोनों की, यानी जूसांग और नाम की, जूसांग के पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर किम के साथ हुई एक मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके सामने आने से सभी को पता चल जाएगा कि दोनों पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। पर तभी जूसांग के असिस्टेंट पार्क की नज़र उस रिपोर्टर पर पड़ जाती है, पर फिर भी वो उसे नहीं रोक पाता। पार्क जूसांग के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। जूसांग को कब, कैसे और कितना बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा रिपोर्टर क्या सवाल पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, ये सब कुछ पार्क डिसाइड करता है। यूं कहो कि जूसांग के इमेज बिल्डिंग का काम पार्क के कंधों पर है। तो पार्क उस रिपोर्टर की जानकारी पार्टी प्रेसिडेंट किम को देता है, जो अपने लोगों से किसी तरह वो वीडियो रिपोर्टर से निकलवा कर डिस्ट्रॉय करवा देता है। जूसांग दोहरी जिंदगी जीती है। दुनिया को दिखाने के लिए वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने हस्बैंड बोंग के साथ रहती है। वो हस्बैंड जो कुछ नहीं करता, इलेक्शन के साल वो अपनी वाइफ के लिए कैंपेन करता है और बाकी टाइम अपनी पॉलिटिशियन वाइफ से अपने दोस्तों और उन लोगों के काम, जिनसे इलेक्शन टाइम में काम लेना है, उनके काम निकलवाता है। कितने काम काम काम। तो दोहरी लाइफ मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबके सामने वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, पर रियलिटी में वो दुनिया से छुपकर एक बड़े से बंगले में एक बढ़िया और शानदार लाइफ जीती है। खैर, वो जैसी भी है, पर जूसांग अपनी मदर इन लॉ से बहुत डरती है। वो जो बोलती है जूसांग चुपचाप से सुनती है। एक रात पार्क उसे कॉल करके इमरजेंसी में कहीं चलने को बोलता है और अगले सीन में हम दोनों को दूर जंगल में एक पुराने से घर में एक बूढ़ी बीमार औरत से मिलते देखते हैं, जो कि जूसांग की दादी माँ है। दरअसल होता ये है कि पिछले इलेक्शन में वोटिंग के ठीक एक दिन पहले दादी माँ, जो अक्सर हॉस्पिटल में अपनी बीमारी की वजह से एडमिट रहती हैं, वो एक लेटर छोड़कर गायब हो जाती हैं कि अब वो नेचर के पास जा रही हैं।
हालांकि उनका कहना था कि वह हॉस्पिटल से बोर होकर गांव वापस जा रही हैं, पर जूसांग को लगता है कि दादी माँ मरने जा रही हैं और उसकी पार्टी अनाउंस कर देती है कि दादी माँ मर गई और उनके सिंपति के वोट भी बटोर लेती है। वो तो बाद में पता चलता है कि दादी माँ जिंदा है, पर अब जूसांग ये बात पब्लिक नहीं कर सकती थी और न ही अपनी पार्टी को बता सकती थी, क्योंकि इससे वो झूठी साबित हो जाएगी। तो इसीलिए वो दादी माँ को छुपा देती है और दुनिया वालों की नजरों में उन्हें मार देती है, पॉलिटिक्स जो ना करा दे। यहाँ दादी माँ जूसांग को समझाती हैं कि वो आखिर कितना झूठ बोलेगी, अब तो वो सुधर जाए और पहली जैसी बन जाए। पर जूसांग तो फिर भी सुधर जाए, पर उसके अंदर के पॉलिटिशियन को सुधारने के लिए तो किसी मिरेकल की ही जरूरत थी। वापस जाते टाइम तेज बारिश हो रही थी, तो पार्क उसे एक शेड में खड़ा करके उसके लिए छाता लाने जाता है। तभी जूसांग की नजर जंगल में रखे कुछ पत्थरों पर पड़ती है जो उसकी दादी माँ ने ही रखे थे फॉरेस्ट गॉड से मन्नत मांगने के लिए। तो जूसांग भी वहाँ प्रेयर करने लग जाती है कि वो ये इलेक्शन जीत जाए, और वहीं घर में दादी माँ भी एक प्रेयर करती हैं कि उन्होंने अपने पैसे दान में दे दिए, तो इसके बदले भले ही भगवान उन्हें स्वर्ग ना दे पर जूसांग को सुधार दे, उसे सही रास्ते पे लाकर सच्चा इंसान बना दे। और तभी आकाश से एक बिजली सीधी आकर गिरती है उस पत्थरों के ढेर पे जहाँ पे जूसांग प्रेयर कर रही थी, जो देख कर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अगली सुबह से वो बदल जाती है। जब बोंग उसे उसकी माँ के साथ डिनर पे चलने को बोलता है तो शी वॉज लाइक, सुबह सुबह अपने खानदान वालों का नाम लेकर दिन ना बिगाड़े, खास करके अपनी बूढ़ी खड़ूस माँ का। जो सुनकर बोंग अलग शौक, और जूसांग खुद को समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी जबान क्यों लपलपा रही है। पर बात यहीं तक होती है तो अच्छी बात थी, पर अब धीरे धीरे वो अपने जुबान से अपना कंट्रोल खोने लगी थी। वो अपने प्रचार के लिए एक रेडियो शो में जाती है जिसका रिपोर्टर काफी स्ट्रिक्ट है, जो पॉलिटिशियन से बिना डरे तीखे सवाल पूछता है। पर जूसांग तो उसकी सोच से भी ज्यादा सच्ची निकली, बेचारी चाह कर भी झूठ नहीं बोल पा रही थी। हालांकि बोंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जूसांग उल्टा उसकी ही इंसल्ट करती है, जिस वजह से ऑनलाइन लोगों के कमेंट की बारिश होने लग जाती है कि लगता है कि मैडम ने सुबह सुबह बड़ा गोला ले लिया है। और जब रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वो कभी ऑनलाइन लोगों की उसके बारे में क्या राय है ये पढ़ती है, जिस पे वो बोलती है ना जी ना, पॉलिटिशियन को पब्लिक की राय से क्या लेने देना, वो इन सब पे ध्यान नहीं देती। जिसके बाद ब्रेक लेकर उसे समझाने की बहुत कोशिश होती है। बोंग बोलता है कि अगर वो इतना सच बोलेगी तो उसका करियर ही खत्म हो जाएगा, पर पार्क ठहरा जूसांग का चमचा। वो बोलता है कि मैडम थोड़ी स्ट्रेस में है, इस वजह से उल्टा सीधा बोल गई, बाकी वो बिल्कुल ठीक है, और उसे किमची मेकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने को बोलता है। पर बोंग साफ मना करता है क्योंकि वो इवेंट कैंडिडेट्स की वाइफ के लिए था और वो हस्बैंड है, इसीलिए नहीं जाएगा। जिस पे जूसांग अगेन उसकी इंसल्ट करती है कि तुम बेरोजगार आदमी, वो एक पॉलिटिशियन होकर उसे रिक्वेस्ट कर रही है तो वो चुपचाप से मान जाए। हालांकि ये सब कुछ बोलकर वो बोंग से माफी भी मांगती है कि मेरे भाई मेरे हस्बैंड, उसकी जुबान अभी कैंची की तरह चल रही है, तो वो उससे समझे और कोऑपरेट करे इससे पहले कि वो उसी कैंची वाली जुबान से उसे काट खाए। पर बेचारा बोंग और बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद अगले इवेंट में जूसांग एक बुक स्टोर की ओपनिंग में जाती है। हालांकि उसका पर्सनल ओपिनियन था कि बुक स्टोर पॉलिटिशियंस के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि यहां से लोगों में ज्ञान मिलता है और लोग अगर पॉलिटिशियन से ज्यादा ज्ञानी और समझदार हो जाएंगे तो ये पॉलिटिशियन के लिए अच्छी बात नहीं है। खैर, इस बुक स्टोर में उसकी ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज होती है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे पूछा जाता है कि उसकी ऑटोबायोग्राफी किसी भी पॉलिटिशियन के लिखे हुए ऑटोबायोग्राफी से ज्यादा फेमस है तो उसे कैसा लग रहा है, जिस पे जूसांग बोलती है कि वो तो जी हम पहले से ही लोगों को हायर कर लेते हैं बुक खरीदने और उसके लिए पॉजिटिव रिव्यूज देने के लिए, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर सभी शॉक होते हैं, पर पार्क तुरंत अगला क्वेश्चन पूछने को बोलता है, ये बोलकर कि मैडम मजाक कर रही हैं। और अगला क्वेश्चन था कि इतना बिजी रहते हुए भी उसने अपनी बायोग्राफी कैसे लिख ली। अब यहाँ पार्क उसे बार बार चुप रहने को बोल रहा था, पर जूसांग की जुबान थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वो चिल्ला कर बोलती है कि ये उसने नहीं बल्कि उसके हायर किए राइटर ने लिखी है, जिसे उसने 10 मिलियन वॉन पर मंथ की सैलरी पे हायर किया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैडम के बाल भी नकली हैं, इसे कहते हैं पांव से लेकर सर तक छोटा इंसान। इसके बाद से मैडम न्यूज से लेकर सोशल मीडिया हर जगह छा जाती है, लोग उसकी बुराई करते हैं, उसकी नेगेटिव इमेज बनने लग जाती है और उसकी रेटिंग भी कम हो जाती है। वहीं पार्क उसे पूछता है कि उसे हो क्या गया है, पर जूसांग बोलती है कि पता नहीं क्यों पर वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पा रही। कहां तो उसे बोलना चाहिए कि वो एक पॉलिटिशियन यानी लोगों की सर्वेंट है, पर उसकी जुबान बोलती है कि वो एक पॉलिटिशियन जिसके लोग सर्वेंट है। जिसके बाद पार्क उसे घर छोड़ने जाता है और बोलता है कि अभी कुछ दिनों के लिए वो बिल्कुल आराम करे, किसी भी इवेंट में ना जाए वरना उसकी इमेज और खराब हो जाएगी। एंड जूसांग वॉज लाइक, सच बोलने से अच्छा तो काश वो मर ही जाती। वहीं हम एक रिपोर्टर को भी छुपा हुआ देखते हैं जिसका नाम सॉन्ग है, जिसे शक है कि जूसांग और उसकी फाउंडेशन करप्शन एक्टिविटी में शामिल है और उसके लिए वो सबूत इकट्ठे कर रहा है।
नेक्स्ट सीन में जू सांग बोंग के साथ अपने बंगले में आती है जहां उसकी सासू माँ पहले से ही मौजूद थी, जिसे देखते ही जू सांग के अंदर का सच्चा इंसान फिर से जाग जाता है और वो उन्हें चोर बुलाती है, जिस बात को लेकर दोनों सास बहू में कहासुनी होने लगती है। पर बोंग अपनी माँ को समझाता है कि आजकल जू सांग की तबीयत अच्छी नहीं रहती तो वो उसे इग्नोर करे। वहीं जू सांग की जुबान थी कि चुप कराने पे भी चुप नहीं हो रही थी, तो सासू माँ भी गुस्से में बोलती है कि आज उन्हें उसके असली रंग दिखे हैं, तो आज वो खुलकर उनसे बहस करे। वो भी तो जाने कि बहू अपने दिल में कितना जहर भरे हुए है। जो सुनकर जू सांग वाज लाइक, अच्छा तो बुढ़िया को सच सुनना है, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, मुझे सीन के अकॉर्डिंग बोलना पड़ा। खैर दोनों की लड़ाई तो दिखाई नहीं, पर अगले सीन में सासू माँ मुंह लटकाए घर से वापस जा रही थी और मना रही थी कि काश भगवान अब उन्हें उठा ले, तो हम समझ सकते हैं कि अंदर क्या ही हुआ होगा। वहीं बोंग बेचारा उदास था कि उसकी माँ जाने क्या ही सोच रही होंगी, लेकिन जू सांग बहुत खुश थी कि अब उसकी सासू माँ कुछ दिनों के लिए तो कम से कम उस घर में वापस नहीं आएंगी। लेकिन उसकी ये बीमारी उसके करियर के लिए ठीक नहीं थी, जिस वजह से पार्क उसे हर डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नीम वाले बाबा, पीपल के ऊपर वाले बाबा, पीपल के नीचे वाले बाबा, पीपल के सामने वाले बाबा, पीपल के पीछे वाले बाबा, अगल वाले बाबा, बगल वाले बाबा, हर बाबा और हर तांत्रिक को दिखा देता है ताकि किसी तरह जू सांग फिर से झूठी इंसान बन जाए, पर किसी की दवा का उस पर कोई असर ही नहीं होता। तो लास्ट में पार्क मिलता है मिस्टर ली नाम के एक इंसान से, जो डॉक्टर तो नहीं था बल्कि एक इलेक्शन प्लानर था। बताओ, वेडिंग प्लानर सुना था, अब इलेक्शन प्लानर्स भी होते हैं, जो अपने इलेक्शन स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है, जो कैंडिडेट्स की इमेज बिल्डिंग, वोटर्स के सिलेक्शन और कब कहां कितना कैसे बोलना है, वोटर्स को कैसे लुभाना है, क्या प्रमोट करना है, इन सब का एक्सपर्ट है। तो पार्क उसे हायर करता है जू सांग की हेल्प करने के लिए, क्योंकि जू सांग तो बदलने से रही और सच बोलने से वो हार सकती है। तो अब मिस्टर ली उसके लोगों के बीच में पॉजिटिव इमेज बिल्ड करेगा, जो अब तक जू सांग के सच बोलने से नेगेटिव हो चुकी थी। वो सिटी के पुराने हाउस होल्ड फैमिलीज, यूथ फुटबॉल क्लब, मिलिट्री कैंडिडेट्स, इन सब के साथ जू सांग की मीटिंग करवाता है और उनसे उसके लिए वोट देने की अपील करवाता है और इन सब चीज़ों को ऑनलाइन स्प्रेड कर देता है ताकि ये सब चीज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचे। वो जू सांग के अपोजिट कैंडिडेट नाम की भी नेगेटिव कैंपेनिंग करवाता है, जहां जहां नाम ने चुनाव प्रचार किया हो वहां वहां उसके पोस्टर पे वो जू सांग के पोस्टर लगवा देता है, ताकि लोगों को उठते बैठते सोते जागते हर समय बस जू सांग ही सुनाई और दिखाई दे। लेकिन नाम भी अब जू सांग के लिए नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करने लगा था। दरअसल जू सांग का एक बेटा है यून हो, जिसके पास दो नागरिकता है, एक कोरिया की और एक अमेरिका की, और नाम सभी को बताता है कि यून हो को मिलिट्री सर्विस से बचाने के लिए जू सांग जानबूझकर उसकी डिलीवरी के टाइम अमेरिका चली गई। तो ली बोंग से बोलकर यून हो को वापस कोरिया बुलवाता है और जबरदस्ती उसे मिलिट्री सर्विस में इनरोल करवाता है और जू सांग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देने को बोलता है और उससे पूछता है कि आखिर वो डिलीवरी के टाइम पे अमेरिका क्यों चली गई थी, जिस पे जू सांग उसे बताती है कि वो इन हो की बर्थ मदर नहीं है, उसने तो बस उसे अडॉप्ट किया है, उसकी रियल माँ अमेरिका में रहती है, पर वो यून हो से बहुत प्यार करती है। लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती क्योंकि डिलीवरी वाले क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाएंगे और झूठ वो बोल नहीं सकती और सच वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि इससे यून हो हर्ट होगा। लेकिन अगले दिन ली इस बात को मीडिया में बता देता है और चीजों को कुछ ऐसा घुमाता है कि लोग जू सांग की बुराई करने की जगह कि उसने लोगों को झूठ बोला, धोखे में रखा, उल्टा उसकी तारीफ करते हैं कि वो दूसरों के बच्चों को भी एक माँ का प्यार दे रही है। पर जू सांग और बोंग इन हो से बहुत प्यार करते थे तो इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर सीधा उसके पास आते हैं ये जानने के लिए कि सच जानकर वो कैसा फील कर रहा होगा। पर यून हो तो एकदम नॉर्मल था, वो स्विमिंग पूल में इंजॉय कर रहा था और बताता है कि उसे सच्चाई 8 साल की एज से ही पता थी, तब उसके डैड यानी बोंग ने उसे नशे की हालत में बताया था कि जू सांग उसकी असली माँ नहीं है, उसकी असली माँ से वो बहुत प्यार करता था, वो उसकी फर्स्ट लव थी जो अब अमेरिका में रहती है। जो सुनकर जू सांग बोंग को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, लाइक वो फुर्सत निकालकर कभी मर क्यों नहीं जाता। धीरे धीरे ली जू सांग के लिए कैंपेन और तेज करता है, कोई भी न्यूज जो उसके लिए नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रही हो उसे हटवा देता है। अब तक सोशल मीडिया पे जो भी जू सांग के खिलाफ न्यूज ट्रेंड कर रही थी उन्हें वो मैनिपुलेट करके जू सांग के लिए पॉजिटिव कैंपेन में बदल देता है। ओल्ड जनरेशन हो, यूथ हो, सभी जनरेशन में जू सांग अभी बहुत ही छाई हुई थी, उसके लिए गाने बनते हैं, लोग उसे इंजॉय करते हैं और इन सब से जू सांग बहुत ही आगे ट्रेंड कर रही थी। इन सब के बीच पार्क दादी माँ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब उनके पास बस 1 महीने का टाइम है। यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क दादी माँ का लीगल ग्रैंडसन बन गया है ताकि उनका गार्जियन बनके उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जा सके और दादी माँ चूंकि अपना रियल नाम यूज़ नहीं कर सकती तो वो उनकी फेक नाम से एक आईडी भी बनवाता है।
इधर रिपोर्टर सॉन्ग जूसांग और उसके फाउंडेशन के खिलाफ करप्शन के सबूत इकट्ठा करने में लगा था, तभी उसे पता चलता है साइंस कॉलेज के बाहर एक लेडी के प्रोटेस्ट करने की। दरअसल उस लेडी का बेटा साइंस कॉलेज का स्टूडेंट है जिसे जूसांग की फाउंडेशन स्कॉलरशिप दे रही थी, पर उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और अब वो कोमा में है। लेकिन उस लेडी का कहना था कि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, तभी फाउंडेशन उसे स्कॉलरशिप दे रही थी, पर लास्ट एग्जाम में उसके ग्रेड कम आए जिस वजह से फाउंडेशन ने उसे स्कॉलरशिप के पैसे वापस मांगे, तो उसके बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की और इसीलिए इसमें उसे कॉलेज और फाउंडेशन की कोई जालसाजी लगती है। जिसके बाद सॉन्ग सारे सबूत इकट्ठा करता है जिससे उसे पता चलता है कि कॉलेज पैसे वाले और पावरफुल लोगों के बच्चों को फाउंडेशन में बड़े डोनेशन के नाम पे एडमिशन देती है और वही फाउंडेशन गरीब और टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है। लेकिन एग्जाम में कॉलेज पैसे की लालच में आकर जानबूझकर अमीर बच्चों को ग्रेड्स अच्छे देकर टॉप कराती है और गरीब और टैलेंटेड बच्चे को ग्रेड्स कम कर देती है और आवाज़ उठाने पर फाउंडेशन उनसे अपने स्कॉलरशिप का पैसा वापस मांगती है। और ऐसा करके फाउंडेशन ने अब तक 150 बिलियन वॉन का घोटाला किया है। जिसके बाद सॉन्ग ये सारे रिपोर्ट पब्लिक कर देता है, जिसके बाद एक बार फिर से जूसांग की इमेज पे सवाल उठता है। हालांकि इसमें उसका नहीं बल्कि पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर किम का हाथ होता है, पर नाम उसका आगे आता है। तो अगले दिन दादी माँ भी उसे मिलने आ जाती हैं और उस पे गुस्सा होती हैं उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने के लिए, जिसके बाद वो उन्हें पूरी सच्चाई बताती है और ये भी कि वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पा रही तो उन्हें उसका विश्वास करना होगा। और अगले सीन में वो दादी माँ को जंगल में उसी जगह पे लेकर आती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और दादी माँ को तो यकीन ही नहीं होता कि उनके प्रेयर में इतनी शक्ति थी कि जूसांग सच बोलने लग गई। उसके बाद दोनों बैठकर वहीं पे फिर से प्रेयर करती हैं कि भगवान जूसांग को वापस से पहली जैसी नॉर्मल बना दे जो झूठ बोल सके। वहीं हम मिस्टर ली को भी देखते हैं जो जूसांग का पीछा करते हुए आया था, जो दादी माँ को जिंदा देखकर शॉक होता है। इधर प्रेयर करते करते दिन से रात हो जाती है, पर ये प्रेयर है कोई हलवा थोड़ी जो इतनी जल्दी सुन ली जाए। जिसके बाद पार्क दादी माँ को घर छोड़ने जाता है और बोलता है कि वो जूसांग पे ज़्यादा नाराज ना हो, उसने फाउंडेशन अच्छी नीयत और गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए ही खोली थी, पर धीरे धीरे इस पॉलिटिक्स के चक्कर में उसके हाथ भी गंदे हो गए। वहीं जूसांग रिपोर्टर सॉन्ग से मिलती है और उसे बताती है कि उसने फाउंडेशन इसीलिए खोला था ताकि अमीर लोगों से लेकर वो गरीब लोगों की हेल्प कर सके, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तो वो इसमें उसका नाम ना डाले। पर सॉन्ग बोलता है कि अगर उसने सही नीयत से वो फाउंडेशन खोली भी थी तो क्या उसे लगता है कि वो गरीबों की हेल्प कर पाई है, और अगर वो सही भी है तो क्या वो बता सकती है कि 150 बिलियन वोन कहाँ गए। जिस पे जूसांग कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि यहाँ वो जानती थी कि उसके नाक के नीचे मिस्टर किम क्या कर रहे हैं, पर फिर भी वो चुप थी। और अगले दिन मिस्टर ली जूसांग को छोड़कर उसके ओपोनेंट नाम के सपोर्ट में चला जाता है और जूसांग से बोलता है कि उसने दादी माँ की सच्चाई छुपाकर गलत किया, अगर लोगों को ये सच पता चला तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इवन उसे ये भी पता है कि दादी माँ नाम बदलकर दूसरी आईडी पे अपना इलाज करवा रही है, जो बात खुद जूसांग को भी नहीं पता थी। तो अगले सीन में वो पार्क से इस बारे में पूछती है, जिस पे वो बोलता है कि ली के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वरना वो धमकी देने की जगह मीडिया में जाता, और वैसे भी दादी माँ लीगली उसकी दादी है और उनकी आईडी भी दूसरी है, और चूंकि वो अभी आईसीयू में एडमिट है तो उनका चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, तो वो चिंता ना करे। जिसके बाद जूसांग अपनी दादी माँ से मिलने आती है जिनकी हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन फिर भी उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनकी जूसांग लोगों की हेल्प जरूर करेगी, वो एक सच्ची इंसान है। जिसके बाद अगले दिन से जूसांग अकेली ही अपनी कैंपेन करती है, वो लोगों से माफ़ी मांगती है और एक मौका मांगती है गलत को सही करने के लिए, लेकिन लोग अब उसकी तरफ देखते तक नहीं। नेक्स्ट सीन में उसे मिस्टर किम से पता चलता है कि उसे पार्टी इलेक्शन से बाहर कर रही है, यानी कि अब पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि उसकी इमेज पब्लिक में बहुत खराब हो चुकी है, ऊपर से उस पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं। अगर उसे अभी साइडलाइन नहीं किया तो पार्टी पे भी उंगलियां उठेंगी और उसे अपनी दादी की सच्चाई भी नहीं छुपानी चाहिए थी। हालांकि जूसांग उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, उसने उसे अपनी दादी का नाम यूज़ करने दिया, उसके नाम पे पार्टी ने बहुत सारे इलीगल काम भी किए हैं, पर मिस्टर किम उसकी नहीं सुनता। और तभी बातों बातों में जूसांग को ध्यान आता है कि अब वो झूठ बोल पा रही है, यानी कि भगवान ने उसकी सुन ली। तो ये बात वो बोंग को बताती है, पर वो उसे उसकी दादी माँ की न्यूज़ देता है। और अगले सीन में हम उसे उसकी दादी माँ की फ्यूनरल में देखते हैं जो पार्क ने ऑर्गेनाइज की थी उनके फेक नाम के साथ, लेकिन वहाँ किम और नाम भी आ जाते हैं दादी माँ का चेहरा देखने के लिए, ताकि ये साबित कर सके कि जूसांग की दादी जिंदा थी और उसने सबसे झूठ बोला। वहीं मिस्टर किम अब नाम को सपोर्ट कर रहे हैं, पर जूसांग उन्हें ऐसा करने से रोकती है और किम से बोलती है कि वो जानता है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकती, तो उसे उसका यकीन करना होगा। जो लेडी मरी है वो उसकी नहीं बल्कि पार्क की दादी है और वो इलेक्शन से भी अपना नाम वापस ले रही है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके दादी का फ्यूनरल शांति से हो सके। जिसके बाद नाम और किम वहां से चले जाते हैं।
लेकिन नाम को जोसांग पे भरोसा नहीं था, इसीलिए वो ली से इस बारे में बात करता है। भरोसा तो खैर ली को भी इस पे नहीं था, इसीलिए वो नाम से पूछता है कि कहीं जोसांग के पास उसके खिलाफ यूज करने के लिए कोई सबूत तो नहीं। और तब नाम को याद आती है उस वीडियो की जो मिस्टर किम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस मामले में पार्क और जोसांग तेज निकलते हैं। पार्क पहले ही उस रिपोर्टर के पास पहुंच के उस वीडियो की ओरिजिनल कॉपी खरीद लेता है और लाकर जोसांग को देता है और कुछ दिन उसे छुपकर रहने को बोलता है जब तक वोटिंग पूरी ना हो जाए। पर अगले ही सीन में वो उस लेडी से मिलने चली जाती है जो कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी और उसे सॉरी बोलती है। लेकिन तभी ली और नाम भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाते हैं जोसांग से वो वीडियो फुटेज वापस लेने के लिए। तो जोसांग वहां से अपनी कार में भागती है पर थोड़ी दूर जाकर वो गिर जाती है। लेकिन तभी वहां पार्क और बोंग भी आ जाते हैं और यहां सभी के बीच में एक फनी सी फाइट होती है और जोसांग किसी तरह से बच बचाकर वहां से निकलती है और सीधा आती है रिपोर्टर सॉन्ग के पास और उसे वो वीडियो देकर उसे पब्लिक करने को बोलती है, जिस पे सॉन्ग पूछता है कि इससे वो भी एक्सपोज हो जाएगी। पर अब जोसांग को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सॉन्ग जब उस वीडियो को देखता है तो घबरा कर तुरंत जोसांग के पीछे भागता है। लेकिन अगले दिन जोसांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करने वाली थी, पर उससे पहले ही पूरी रिपोर्टर की एक टीम उसे घेर लेती है और उस वीडियो की सच्चाई उसे पूछती है जिसे सॉन्ग ने पब्लिक कर दिया था। रिपोर्टर्स उसकी बड़ाई करते हैं कि उसने लोगों को एक्सपोज करके एक महान काम किया है। वहीं जोसांग को समझ ही नहीं पाती कि इलेक्शन में धांधली करना कब से महान काम हो गया। पर सच्चाई ये होती है कि रिपोर्टर ने पार्क को गलत वीडियो फुटेज दे दी थी। जो वीडियो रिलीज हुई है उसमें सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स के स्टिंग ऑपरेशन है जो उन्हें करप्ट और कैरेक्टरलेस साबित करते हैं। उन फुटेजेस के चलते सालों पुराने केसेस पर से पर्दा उठ रहा था। बड़े बड़े लोगों के नाम घोटाले में सामने आ रहे थे। उनकी क्लब में लड़कियों के साथ ड्रिंक करते, डांस करते, गैम्बलिंग करते हुए इमेजेस सामने आ रही थी, जिस वजह से पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ था। कुछ दिनों में इलेक्शन के रिजल्ट सामने आते हैं जो ऑब्वियसली ना तो जोसांग और ना ही नाम जीतते हैं, बल्कि थर्ड कैंडिडेट जीती है। मिस्टर किम पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं। हालांकि जोसांग का इन सब में कोई रोल नहीं था, पर फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन में साथ देती है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने के लिए उसे कुछ महीनों की जेल भी होती है। फिर कहानी 2 साल आगे आती है। जोसांग अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यानी किसी पार्टी से नहीं है, और अपने सिटी के मेयर का चुनाव लड़ रही है। पार्क आज भी उसके साथ है, वहीं बोंग आज भी कुछ नहीं करता और उसका बेटा भी अब कुछ नहीं करता। और इतना कुछ देखने के बावजूद भी जोसांग सच को नहीं छोड़ती। तो बोंग और यून हो प्रे करते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि जोसांग फिर से झूठ बोलने लग जाए। और तभी आसमान में फिर से बिजली चमकती है और जोसांग के एक स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब ज्यादा ख्याल रखिए। सायनारा।